नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया। इसमें दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर उधम सिंह नगर के जोनल प्रभारी धर्मवीर अवाना ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों का जोरदार स्वागत किया। उनका कहना था कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी से लोग काफी संख्या में जुड़ भी रहे हैं। हमें यकीन है कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एक अहम भूमिका रहेगी। हमारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मोहनिया भी बड़ी मेहनत से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में हमारी पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। 70 की 70 विधानसभा के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी इसमें बड़ी मजबूती के साथ, मुझे यहाँ पे जुम्मा मिला है कि भाई 9 विधानसभाओं का मैं यहाँ पे प्रभारी, जोनल प्रभारी यहाँ पे शहीद उधम सिंह नगर में। मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ और विधानसभाएं अब देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और बड़ी मजबूती के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो 70 की 70 विधानसभा सीटों को उतारेंगे और समय आने पे सारी चीजों की घोषणा की जाएगी, सब चीज आपके सामने आ जाएगी। मैं एक सिपाही हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखा है विधानसभा में प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसमें चंद दिनों में मैं जो भी गांव में गया हूँ बहुत आपार समर्थन मिल रहे हैं। और जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन में हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी कंधा से कंधा मिला के साथ देने की वजह से किसान लोग भी बहुत ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी छोड़ करके हमारे साथ कल मिल में आ गए हैं और हमारे साथ सक्रिय सदस्य दे रहे हैं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड में सितारगंज विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा सीट वोटों से जीतेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रहा है।